पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता बिल सदन में रख दिया गया है। मकसद यही है कि इसको पास किया जाए, कठोर कानून बनाया जाए रेप को लेकर, गैंग रेप को लेकर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में आज अपनी बात रखते हुए हाथरस केस का, उन्नाव केस का जिक्र किया, कहा कि उन पर इस्तीफा क्यों नहीं मांगा इन विषयों पर। अपने भाषण में ममता बनर्जी बहुत आक्रामक दिखाई दी और उन्होंने विनेश फोगाट का जिक्र किया, कहा कि अगर विनेश को इंसाफ मिला होता तो वो गोल्ड जीत सकती थी। आज बंगाल विधानसभा में रेप पर यह नया कानून रखा गया है, विधानसभा से पास होने के बाद फिर राज्यपाल के पास पहुंचेगा हस्ताक्षरों के लिए। আমি কোনটা মিথ্যা সত্য বলবো আপনার কাছ থেকে জ্ঞান নেব না। আমি আপনাদের প্রথমেই বলি যে আমি স্যার অন বিহাফ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পিপল এ মডেল বিল অ্যান্ড হিস্টোরিক বিল দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল লজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2024 কে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানাতে আপনার অনুমতিতে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা অভিনন্দন নয়, আমার সমবেদনা পরিবারকে জানাচ্ছি, নির্যাতিত পরিবারকে। তার নাম তো নিতে পারি না, যে মেয়েটি নির্যাতিত হয়েছে তার জন্য আমি শোক জ্ঞাপন করছি। তো অপরাজিতা বিল আশুতোষ, सख्त बिल है। इसके प्रावधान क्या क्या बता दें, रेप अगर कोई करता है फांसी या अंतिम सांस तक कैद, मतलब उम्र कैद में कुछ वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद आप छूट जाते हैं, यहाँ पे छूटेंगे नहीं आप। ये बहुत ही कड़ा प्रावधान है और ये बहुत ही सख्त है। आशु कुछ कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, और देखिए इसमें कई प्रावधान है, मतलब कि एक वक्त निर्धारित किया गया है, उस तय अवधि के हिसाब से ही आपको केस भी दर्ज करना होगा, उसमें रिपोर्ट भी पेश करनी होगी, ये सब कुछ। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर मान लीजिए पीड़िता की मौत हो जाती है तो तुरंत फांसी होनी चाहिए, गैंगरेप पर फांसी, अंतिम सांस तक कैद। ये अंतिम सांस तक कैद जो है ये उम्र कैद से एक कदम आगे है, यानी कि इसमें मरना तय है, यानी कि अगर आपने अपराध किया है, दोषी हुए आप, तो आपको सजाए मौत का प्रावधान 36 दिन में। केस का निर्णय होना ही होना है, ये चौथा पॉइंट है इस अपराजिता बिल का। और जल्द निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक अदालत, 36 दिन में तभी होगा जब फास्ट ट्रैक अदालत होगी। ममता बनर्जी विधानसभा में जब आई क्या उन्होंने कहा है, आपको हम सुनवाते हैं। আমি কোনটা মিথ্যা সত্য বলবো আপনার কাছ থেকে জ্ঞান নেব না। আমি আপনাদের প্রথমেই বলি যে আমি স্যার অন বিহাফ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পিপল এ মডেল বিল অ্যান্ড হিস্টোরিক বিল দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল লজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2024 কে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানাতে আপনার অনুমতিতে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা অভিনন্দন নয়, আমার সমবেদনা পরিবারকে জানাচ্ছি, নির্যাতিত পরিবারকে। তার নাম তো নিতে পারি না, যে মেয়েটি নির্যাতিত হয়েছে তার জন্য আমি শোক জ্ঞাপন করছি। ঋতিক মন্ডল পশ্চিম বঙ্গাল কলকাতা সে আমার সংবাদদাতা জুড় চুকে হ্যাঁ সৈয়দ স্যার, ঋতিক से सवाल अगर करें तो, क्योंकि बिल्कुल ये तो मोर्चेबंदी हो रही है लगातार। हाँ, हम भी यही इशू जानना चाहते थे। ऋतिक ये बताइए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सख्त से सख्त अपराजिता बिल ला रही हैं, पूरे देश में होना चाहिए, इससे भी सख्त लाइए, लेकिन उन्नाव, हाथरस, बीजेपी, क्या ये राजनीति नहीं है? राजनीति गहमाई हुई है, देखिए जरूर ममता बनर्जी दबाव में है, ये जिस तरीके से दबाव उनके खिलाफ बढ़ रहा है, भले ही उन्होंने कानून जो है नया कानून लाया है, जिस बिल की चर्चा हम कर रहे हैं इस वक्त, पश्चिम बंगाल अपराजिता कानून 2024, इसकी जिसका ढोल नगारा विधानसभा के अंदर इस वक्त पीटा जा रहा है, लेकिन इस बात को लेकर सियासत जो है वो गहमाई हुई हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि मौजूदा मंजर क्या है। देखिए कल भी मेरा मौजूदगी यहीं पर था, दोपहर यहाँ पर जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स है उनके तरफ से एक जो लाल बाजार वहां पर, यानी कोलकाता पुलिस की जो हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंचने की मांग थी, उनका मांग यही है जो पुलिस कमिश्नर है विनीत गोयल वो इस्तीफा दे दे, लेकिन उसके बाद तस से मस नहीं हो पाया, ये आंदोलन और पुरजोर हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो फिलहाल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर
जो इस तरीके से जो हम देख सकते हैं यहाँ पर मौजूदा हालात में, ताकि लंबे समय तक ये आंदोलन जो है वो चलता रहे। आइए उन महिलाओं से बात करते हैं, जरा बात कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में सरकार की तरफ से एक नया कानून लाया गया है, क्या लगता है कि इस रेप के मामले को लेकर कई सारे बात की गई है, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट मामले में सजा दिलवाएगी, क्या लगता है कि कहां बढ़ रही है सजा? तो बहुत साल से ही है ये, तो मतलब आईन में तो बहुत साल से ही है, पर कुछ तो नहीं हो रहा है ना, तो ये बात है। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं होती है, चाहे वो बंगाल या फिर हर सब जगह तो एरकम ही हो जाए, किन्तु कोनो किछु तो हमरा कोनो किछु तो पाछी ना। एर आगे तो एटा फर्स्ट रेप केस तो नय, एर आगे प्रचुर रेप केस होयेछे, किन्तु कोनोटातेई हमरा धर्षकदेरके सेरकम भावे शास्ति होच्छे ना, बा धर्षक आड़ाले थेके जाच्छे। आमरा चाई आपके पास लौटे, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त एक बार फिर से हम बयान सुनवा देते हैं ममता बनर्जी का, क्योंकि कई बयान उन्होंने विधानसभा के भीतर दिए, नाराजगी उन्होंने जाहिर की है, काफी रोष में वो नजर आई हैं। जरा सुनिए उनका दूसरा बयान भी। আপনারা মনে রাখবেন, দ্রুত দোষীদের খুঁজে বার করার জন্য পুলিশ 12 ঘন্টা টাইম নিয়েছিল, যে মেন একে ওস্তাকে অ্যারেস্ট করবার জন্য, এবং 164 জনের একটা সাইবার ক্রাইম টিম তৈরি করা হয়েছিল সমস্ত খতিয়ে দেখার জন্য। আমরা পুলিশকে বলেছিলাম ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে গিয়ে ফাঁসির আবেদন জানাতে, এবং সময়ও বেঁধে দিয়েছিলাম, কিন্তু মঙ্গলবার দিন সিবিআই হয়ে যায় কোর্টের অর্ডারে। ঠিক আছে, আমার কোনো তাতে প্রবলেম নেই, আমাদের কারোরই থাকার কথা নয়, আমরাও এখন উই ওয়ান জাস্টিস ফ্রম সিবিআই, বিচার চাই, বিচার চাই, তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই।